इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, बैक साइड में नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। ये ओप्पो के किसी भी डिवाइस में, आप कई बार किसी किसी फ़ोन में यहाँ होता है, किसी किसी फ़ोन में यहाँ होता है, किसी किसी फ़ोन में यहाँ होता है, तो इस मॉडल में यहाँ पर दिया गया है। अगर आपके पास कोई और ओप्पो का फ़ोन है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे फेस पासवर्ड इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जो भी स्क्रीन लॉक होगा उसको ड्रॉ कर देना है। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये बोल रहा है आप इसके तरफ अपना उंगली चिपकाइए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना इस तरीके से फिंगर को टच करता हूँ। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये ऑटोमेटिकली एक बार इसमें स्कैन कर लिया तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डन का ऑप्शन आ जाएगा, तो डन कर दीजिए। और मैं इसको स्क्रीन लॉक लगा देता हूँ, और आप देख सकते हैं खुलता है नहीं खुलता है। तो आप देख सकते हैं खुल गया है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं फिंगर से खोल के, ठीक है। अगर डिलीट करना चाहते तो वापस से यहाँ आना होगा, और इसको डिलीट पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी ने आपसे बिना पूछे लगा लिया फिंगरप्रिंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।